जिला चिकित्सालय मंडला में समस्त चिकित्सक, नर्सिंग, पैरामेडिकल और हाउसकीपिंग स्टाफ को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश खरे, नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय मिश्रा, डॉक्टर राकेश बघेल, RMO क्वालिटी नॉलेज डॉक्टर JP चीचाम, शरद मेश्राम, निर्मला रिछारिया, महेश चड़ार, सोनम नामदेव, राम मिश्रा सहित नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित थे। सभी को सस्पेक्टेड केस को कैसे ट्रीट करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल की गाइडलाइन के आधार पर वार्ड विभागों को विसंक्रमित करने संबंधी दिशा निर्देश देते हुए कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही चिकित्सालय में पृथक से बनाए गए आइसोलेशन वार्ड की जानकारी भी दी गई। सभी को हैंडवाश, PPE किट के उपयोग संबंधी जानकारी तथा उक्त वार्ड में ड्यूटी हेतु निर्देश जारी किए गए। समाचार पत्र के माध्यम से जो भी है सोशल मीडिया है ना, कैसे कार्यशाला आयोजित की है, इसके बारे में कैसे बचा है, कोरोना वायरस के लक्षण के बारे में मालूम है आपको, जैसे कि बताए होंगे कैसे क्या क्या लक्षण है, बुखार और सीने में जलन, संपर्क में आने से बिना हाथ धोए और आँख मुँह तक मरीज है या अटेंडर है, ठीक है ना, है ना, तो ये सभी को बताना है और अपने खुद को भी प्रोटेक्ट करना है और PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव, ठीक है ना, OPD में, वार्ड में या जहाँ पर भी हॉस्पिटल में, ठीक है ना, इवन भीड़ भाड़ की अपन फेस कवर कर सकते हैं, ठीक है ना, मार्केट वगैरह जाएँ तो अपन खुद की सावधानियाँ रखते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसीज से भी मौसम चेंज हो रहा है ना, सर्दी जुकाम के मेंटेन करना ही करना है। साथ साथ जो कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ एजुकेशन का एक पार्ट होता है, चूँकि हम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं और हमको सबको पता है कि वायरल डिजीज जो होती है उनके ट्रीटमेंट है। यहाँ चूँकि क्या है कि पेशेंट आते हैं OPD में, IPD में, तो हमने पूरे स्वास्थ्य जो हमारी टीम है वार्ड में, सिस्टर्स लोग हैं और डॉक्टर्स लोग हैं, इनकी सब टीम ने हमने बुलाकर इसके कार्यशाला, इसके जानकारी के जानकारी देने के लिए इस कार्यशाला आयोजित की है। ये इसके क्या लक्षण हैं, ये कैसे फैलती है ये बीमारी और कैसे इससे बचा जा सकता है। ये लक्षण हैं, सामान्य सर्दी खांसी के लक्षण हैं इसके, नाक बहना, गले में खराश, सर्दी खांसी, हल्का बुखार और सीने में जकड़न, ये इसके लक्षण हैं। हाँ, इसके बचाव ये है कि जो भी सस्पेक्टेड केस हैं उनको काउंसलिंग करें, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, उनको मास्क पहनने के लिए बोलें, बार बार हाथ धोएं, है ना, साबुन से बार बार हाथ धोने के लिए बोलें, और जो भी सस्पेक्टेड मरीज हैं उनको नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए काउंसलिंग करें, है ना, और चेहरे को बार बार ना छुएं और बार बार साबुन से हाथ धोएं। और अस्पताल में हमने जो भी स्टाफ है उनको हमने बता रखा है कि जो भी मरीज को आप केयर करते हैं, प्रोसीजर करने के पहले आप लोग हैंड वॉशिंग करें, हैंड रब करें, और प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद भी आप हैंड वॉश करें या फिर हैंड रब करें। जो भी मरीज आते हैं और अटेंडर आते हैं उनको काउंसलिंग करें, आप लोग मास्क पहनिए और थोड़ा सा जो भी आपको सिम्टम्स हैं उसकी इलाज कराइए।